अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। साल्टसप्रिंकलविथमारिया में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक और बहुत अच्छी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। जो बनाने जा रहे हैं रसमलाई। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी रेसिपी पसंद है कि अगर आपको अच्छी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए हमने 1 kg दूध ले लिया था और उसमें 1 tablespoon विनेगर ऐड कर दिया था, उसकी वजह से दूध फट गया। अब हमने दूध को मलमल के कपड़े में से छान लेना है। इसको हम कम्प्लीटली इसमें से छान लेंगे, उसका एक्स्ट्रा वाटर अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। फटे हुए दूध को हमने अच्छी तरह से छान लिया और उसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी हमने रिमूव कर लिया। अब हम इसको अच्छी तरह से रब कर लेंगे अपने थैलियों की मदद से। इस तरह हम इसे रब करेंगे। इसको रब इसलिए करेंगे ताकि इसमें से दाना कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जब ये कम्प्लीटली स्मूथ हो जाएगा तब इसको हम जो भी शेप देंगे ईजीली उस शेप में आ जाएगा। इसको हम 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से रब कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए और इसमें दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि ये स्मूथ होना स्टार्ट हो गया। हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं, लेकिन अभी हम इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद रब करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इस रब करते हुए। आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्मूथ हो गया और इसमें से दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हम इसको शेप दे लेंगे। कोई भी शेप आप इसे दे सकते हैं, जो भी शेप आप चाहें उस शेप में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमने इन सबको शेप दे दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमने बनानी है चाशनी। चाशनी बनाना स्टार्ट कर। चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कप चीनी ले लिया और तकरीबन 1.5 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और उसमें इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। चाशनी रेडी हो चुकी है। उसे हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया था। अब हम 1 by 1 इसमें शेप देवी बॉल्स ऐड कर देंगे और तकरीबन हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब इनका साइज़ 20 to 30% डिक्रीज ना हो जाए। और ये बॉल्स इसमें ऐड करने के बाद हमने इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं लाना। चम्मच लाने से ये टूट सकती हैं, तो इसलिए हम इन्हें ऐसे ही पकने देंगे। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये बॉल्स हमने साइज़ में 20 to 30% इंक्रीज़ हो चुकी हैं और ये बहुत सॉफ्ट हैं। इनको हम निकाल लेंगे और अगर आप इनको ज़्यादा पका लेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, इस जैसे आपने इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना। अब हम दूध रेडी कर लेंगे। तकरीबन 1.5 kg हमने दूध लिया और इसको हम लो फ्लेम पे पका लेंगे। तकरीबन इसको हम आधे से पौने घंटे के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। दूध पकना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। 1 teaspoon हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं इस पकते हुए। इसमें हमने चीनी ऐड कर दी थी 1/2 cup। हमने इसमें शुगर ऐड की थी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसको एक बॉल में निकाल लेंगे। दूध को हमने बॉल में निकाल लिया। फिर इसमें 1 by 1 बॉल्स ऐड करते जाएंगे। बॉल्स ऐड करके हमने इसे बिल्कुल भी पकाना नहीं है। पहले हम दूध को अच्छी तरह से पका लेंगे क्योंकि बॉल्स ऑलरेडी पकी हुई हैं, तो फिर इन्हें हम पके हुए दूध में बाद में ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसे ठंडा करके सर्व कर देंगे। बॉल्स ऐड करने के बाद मैंने इसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और इस पर हमने बादाम गार्निश कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।